रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मौज़ नाज़रीन इकराम, आप सब कैसे हैं? आप सब खैरियत के साथ होंगे यही उम्मीद करता हूँ। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपकी और आपकी दुआ के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सेहतमंद हूँ और आप भी सेहतमंद होंगे यही उम्मीद करता हूँ। दुनिया में हर इंसान मोहब्बत चाहता है, वो चाहता है कि हर इंसान मुझसे मोहब्बत करे। मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त अहबाब और जो भी जिसके साथ मैं उठक बैठक करता हूँ, चलता फिरता हूँ, हर कोई मुझसे मोहब्बत करे। हर इंसान यही चाहता है, मगर ये चाहने के लिए वो अपने आप को कैसे बर्ताव करता है? सबके साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। अगर किसी से मोहब्बत हासिल करना चाहे तो उसको चाहिए कि वो भी हर किसी के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए। ज़रा सी बात पे जो है अड़ जाता है, हरदर्मी करता है और किसी से झगड़ पड़ता है। अगर इंसान ऐसा करता रहा तो आप ही बताएं कि आप सामने वाला आदमी उसके साथ कैसे मोहब्बत करे। अगर लेन देन हो तो उसके साथ भी जो है सही तरीके से लेन देन करना चाहिए। हम दिन में जो कुछ भी करते हैं, जिसके साथ भी हम रहते हैं, हमको चाहिए कि उसके साथ मोहब्बत से हम पेश आए, तो तभी जो है वो आदमी आपसे मोहब्बत करेगा। अपनी बीवी से मोहब्बत चाहता है लेकिन अपनी बीवी के हक सही अदा नहीं करता है, और बीवी अपने शोहर से मोहब्बत चाहती है मगर वो अपने शोहर की खिदमत नहीं करती, तो ऐसा करने से हमको ना ही किसी की मोहब्बत मिलती है और मोहब्बत की जगह जो है उल्टा नफरत मिलती है। तो यही आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी की मोहब्बत पाना चाहते हैं तो आप भी उनके साथ मोहब्बत से रहा के कीजिए, मोहब्बत से पेश आइए। यही जो है ज़िंदगी का मकसद है, क्योंकि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है। अगर एक इंसान रोता हुआ आता है तो उसके आने की खुशी में सारे लोग खुश होते हैं, अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, हर कोई उसकी जो है आने पर जो है खुश होता है, मिठाइयाँ बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं। अगर जब जाता है तो ऐसा काम करके जाए कि वो खुशी खुशी से जाए दुनिया में, और जाने के बाद जितने भी अपने रिश्तेदार हैं सब आपके लिए रोए, आंसू बहाए कि हमारे साथ इतनी मोहब्बत के साथ रहने वाला हमसे जुदा हो गया है। तो इसीलिए आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप जो है ज़िंदगी में हर किसी के साथ मोहब्बत से पेश आइए, नफरत ना फैलाए, किसी पे छोटी सी बात पे किसी पर गुस्सा ना कीजिए। यही जो है ज़िंदगी का मकसद है, मोहब्बत से रहिए, मोहब्बत दीजिए, मोहब्बत हासिल कीजिए और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया को अलविदा कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। अगर आप ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकअल्लाहु खैर।